अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे अब आपसे इस वीडियो में कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.2 है जिसमें हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या है और उसका प्रूफ क्या है, वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, सपोज़ करो ये हमारे पास है ए एक्स वन वाई वन और ये हमारे पास है बी एक्स टू वाई टू एंड देयर इज़ अनदर पॉइंट सी विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट ए बी इंटू एम वन इज टू एम टू रेशो। ये वाला पार्ट एम वन हो जाता है इन रेशो, नॉट इन डिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारे पास एम टू हो जाता है। सपोज़ करो एम वन एम टू रेशो में डिवाइड कर रहा है तो आपसे कह रहा है सी कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर सी कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लेते हैं तो एक्स की वैल्यू होती है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और वाई की वैल्यू होती है, बेटे आपको पता है कि अगर एक्स लेना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई लेना है तो वाई से, इस वाले रेशो को राइट वाले मल्टीप्लाई करना है, इस वाले रेशो को लेफ्ट वाले से। तो अगर मुझे वाई चाहिए तो वाई से मल्टीप्लाई करना है, एक्स चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये आपके पास सी कोऑर्डिनेट का ये एक्स होता है और ये वाई होता है। इस वीडियो में हम ये करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, समटाइम डेरिवेशन भी आ सकता है कि भाई आप ड्राइव करिए सेक्शन फार्मूला, एक अच्छा आइडिया भी हो जाएगा कि फार्मूला कहाँ से रहा है। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा बेस या कॉन्सेप्ट चैप्टर का पता होता है कि हम कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि मुझे तो बेसिक चीज़ें भी पता हैं, बिल्कुल जो रूट वाली चीज़ें वो भी पता हैं। तो ये फार्मूला कहाँ से आता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा सब बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ईजी भी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं बेटे कि हमारे पास है, प्लीज़ ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये ए पॉइंट है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक छोटा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दूँ कि अगर मेरे पास, चलिए यहीं पर दे देता हूँ कि अगर मेरे पास ये y एक्सिस है, सब बच्चे ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो आप सबको बस इतना सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नाइन्थ का पार्ट है, कि सपोज़ अगर ये मेरे पास a है एंड इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इसका मतलब क्या होता है। आपको मालूम होगा जब आपने नाइन्थ में किया था कि x1 का मतलब होता है जब आप यहाँ पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये दैट इज़ कॉल्ड x1, आप लोगों को मालूम होगा। और अगर आपने ये परपेंडिकुलर यहाँ y एक्सिस पे डाला है तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है y1। इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब बच्चों को पता है। तो इसमें हमें क्या मालूम है कि ये डिस्टेंस तो हमारा x1 है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ये y1 है तो ये भी y1 है, वैसे ये x1 है तो ये भी x1 होता है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है। सपोज़ करो अगर ये मैंने a से परपेंडिकुलर डाला, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज़ करो d ले लेते हैं, ये हमने d डाला तो OD हमारा x1 होगा और AD ये y1 होगा, तो बस इतना यूज़ करना है, ये y1, ठीक है बेटे। अब हमारे पास क्या है, मैं आपसे क्या करूं, अगर आपने ये समझ लिया तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये सपोज़ करो एक और पॉइंट है B और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2 y2, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ सकते हो कि जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज़ करो मैं इसको कह रहा हूं F, ये आपने परपेंडिकुलर डाला तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये x2 है तो दिस डिस्टेंस इज x2 और यहाँ हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा y2 आता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस y2 होगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला डिस्टेंस जो टोटल है ये मेरा y1 है एंड दिस डिस्टेंस इज माई y2। तो आप क्या कह रहे थे, जो सेक्शन फार्मूला था कि भाई हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी और यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास C और उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और C डिवाइड्स दिस लाइन AB इन द रेशो M1 M2
तो ये पार्ट हमारा M1 है और ये पार्ट हमारा M2 ये मेरे पास। तो आपको क्या मालूम है कि अगर हम यहाँ से अब C से अगर परपेंडिकुलर डालें, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, DE ले लेते हैं, तो ये X है, तो आपको मार जब ये X बनता तो ये हमारा कोऑर्डिनेट X हो जाना चाहिए और ये डिस्टेंस जो है हमारा Y आना चाहिए। तो इतना तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। This one is X1, this one is X, this one is X2, this one is Y1, this one is Y, this one is Y2। अगर ये आपको समझ में आ गए बेटे तो अब आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ ये ऐसे इस लाइन पे, और सपोज़ करो मैं इसको कह दूँ P, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूँ सपोज़ इसको मैं कह दूँ Q, तो आप सब बच्चे मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिस वन, ये कितना होगा? आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक x है और ये x1 है, तो दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस x1। बस इतना सा समझना है इस पूरी फिगर से कि भाई ये मेरा डिस्टेंस जो है x माइनस x1 आएगा। अगर ये x माइनस x1 आएगा तो फिर ये डिस्टेंस AP इज ऑल्सो x माइनस x1। आपको ये समझ में आ गया? तो ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस EF x2 माइनस x होगा। अपनी कॉपी पे आप इसको बार बार करिए तो समझ में थोड़ा सा आएगा, x2 माइनस x। अगर ये x2 माइनस x है तो ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x होगा। सेम बेटे, ये डिस्टेंस टोटल y है, दिस वन इज़ y1। अगर ये y1 है तो ये जो है हमारे पास PE इज़ ऑल्सो y1, तो ये अपर पार्ट जो है, ये अपर पार्ट जो है ये y माइनस y1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट हमारे पास ये y माइनस y1 हो जाएगा। एंड सेम ये टोटल डिस्टेंस है y2 और ये वाली लाइन ये है y, तो ये यहाँ तक ये डिस्टेंस देखिए ये y हुआ, तो y2 माइनस y इज़ दिस, तो ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y। तो आपको इस फिगर से सिर्फ ये समझना था। अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आपको ये ट्राइंगल्स देखने, ये ट्राइंगल्स APC एंड CQB, इन ट्राइंगल को गौर से देख लीजिए, काम आसान हो गया। क्या देख लीजिए, हमारे पास क्या है, यहाँ आ जाइए, फोकस सिर्फ इस पे करिए कि एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल ये आपके पास है M1 और ये आपके पास है M2। इट इज़ my A, इज़ my C, इज़ my B, एंड दिस वन इज़ P एंड दिस वन इज़ Q। ये आपके पास आया बेटे X माइनस X1, दिस वन इज़ X2 माइनस X, दिस डिस्टेंस इज़ Y माइनस Y1 एंड दिस डिस्टेंस इज़ Y2 माइनस Y। आप सब बच्चे अगर इसको कंसीडर कर लेंगे, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए फिगर बनाया, आप तो यहीं रखेंगे। अब यहाँ पे एक पार्ट यूज़ होता है चैप्टर 6 का, चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल, अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 2 लाइन है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स, आपने 9th में कॉन्गुरेंट पढ़ा है, यहाँ सिमिलर होता है। सिमिलर कब होता है, अगर 2 एंगल्स इक्वल हो जाएँ। तो आप खुद चेक करिए, ये आपने यहाँ 90 डिग्री लिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल है, ये आपके पास एक ही लाइन है AB, यहाँ से ये आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और ये परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो फिर ये एंगल जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो फिर हमारे पास 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं बताना क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप तो सिर्फ ये लिखेंगे कि ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं, एंगल ए सी के इक्वल है तो ए यहाँ लिखा है तो सी यहाँ लिखेंगे, अगर पी क्यू के इक्वल है तो पी यहाँ लिखा है, क्यू फिर थर्ड के इक्वल। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फिर साइड्स का रेशो सेम होता है, ये 6 से लेना है, तो फिर क्या होगा AP अपॉन CQ, PC अपॉन QB, दिस PC एंड दिस QB, एंड AC अपॉन CB,
एसी फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट, तो तीनों साइड्स का रेशो सेम हो जाता है। कॉन्गुरेंट में साइड इक्वल हो जाती है या रेशो सेम होता है। तो अब आप सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए पी, ए पी आपका क्या है, ये है एक्स माइनस एक्स वन। सी क्यू, सी क्यू आपका ये है एक्स टू माइनस एक्स। पी सी, पी सी आपका ये है वाई माइनस वाई वन। क्यू बी, क्यू बी आपका ये है वाई टू माइनस वाई। एंड ए सी, ए सी आपका एम वन है। एंड सी बी आपका एम टू है। ये आपके पास बस इतना है। अब इससे सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को यूज़ किया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे, अभी करेंगे। और अगर आपने इन दोनों को यूज़ किया तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, प्लीज़ ध्यान से देख, मैं अभी सबको रब कर रहा हूँ, ठीक है। या चलिए नहीं करते हैं, इसको देख लेते हैं। आपके पास हम क्या ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स एम वन अपॉन एम टू, क्रॉस मल्टीप्लाई एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स। जो आपके पास x वाले टर्म्स हैं वो सब एक तरफ, इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस हो जाएगा एम वन एक्स, ये प्लस हो गया और ये पहले से एम टू एक्स प्लस में, और ये एम टू एक्स वन इधर ले जाइए तो ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, यहाँ से x कॉमन, तो आपके पास क्या आ रहा है एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स कॉमन एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। अपोन में लाइए तो देखिए x की वैल्यू आ गई एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इन द सेम वे अगर आप इन दोनों को यूज़ करेंगे वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई एम वन अपॉन एम टू, आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे आपने उसके किया, तो वाई की वैल्यू आएगी एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये है हमारे पास इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, जो मैंने आपसे कहा था x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपके पास प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो हमें सिर्फ यूज़ ही करना है। समटाइम अगर जो बच्चा एक्स्ट्रा चाहते हैं कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए, तो फिर आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, या फिर कम से कम आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि हो क्या आ रहा है, चैप्टर का बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोशिश करिए, इसको इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, खुद से ग्राफ ड्रॉ करिए। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ट्राइंगल्स की वैल्यूज़ निकाली हैं, और फिर क्या रखा है कि ये सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशो सेम है। तो मेन पार्ट तो ये है सिंप्लीफिकेशन, अदरवाइज तो ये प्लेसिंग था कि पॉइंट्स अगर हम रखते हैं तो डिस्टेंस कैसे निकलता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।